ससुराल वाले को शुद्ध शाकाहारी बहू से मछली बनवाना पड़ गया भारी। शिकायत लेकर बहू पहुंची सीधे थाने। जबरन मांसाहारी खाना बनाने के अजीबोगरीब शिकायत लेकर महिला पहुंची थाने। महिला का आरोप, मांस नहीं बनाने पर आए दिन पीटता था उसका पति। पुलिस जुटी जांच में। शाकाहारी बहू का मांसाहारी ससुराल, एक मछली ने लगाया थाने का चक्कर। ऊंचाहार वाले मांसाहार परिवार में मछली ने मचाया कोहराम। शाकाहारी बहू को ससुराल वालों ने बनाया मांसाहारी, बहू ने पहुंचा दिया सभी को थाने। जबरदस्ती की मछली ने अटकाया गले में कांटा। बहू नाना करती रही, जबरन मांसाहारी बनाया जाता रहा। आखिरकार पुलिस को आना पड़ा बीच में। यूपी के रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक महिला ने कोतवाली में शिकायत किया है कि उनके ससुराल वालों द्वारा उनसे जबरन मांसाहारी खाना बनवाया जाता है, जबकि वो शाकाहारी है। मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। जनवरी में इसी बात को लेकर महिला ने विरोध किया था, जिस पर ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। रायबरेली जिले के पारी गांव की रहने वाली कमला देवी ने अपनी पुत्री का विवाह सन 2020 में ऊंचाहार तहसील के पर्वत के पूर्वा गांव के निवासी हरमेंद्र के साथ की थी। पीड़िता की पुत्री शुद्ध शाकाहारी है, वहीं उसके ससुराल वाले मांसाहार का सेवन करते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसके पति व अन्य ने उससे मांस व मछली बनाने को बोला। उसने मांसाहार बनाने से ना किया, जिस वजह से पति द्वारा उसे पीटा गया। धीरे धीरे ये रोजमर्रा की बात हो गई। पीड़िता रोते बिलखते अपने मायके पारी पहुंची और अपने परिजनों से आपबीती बताई। पहले तो परिजनों ने उसके पति व अन्य को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब उन्होंने अपना विचार नहीं बदला तो महिला शिकायत लेकर ऊंचाहार कोतवाली पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। क्या मामला है आपका? सर, हमारा ये मामला है कि हमारी शादी 1.5 साल पहले पर्वत के पुरवा गांव में हुई थी, धर्मेंद्र के साथ थे। तो हमारी शादी के पहले ये तय हुआ था कि हमारी शादी, मतलब हम मीट मछली नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी हैं। तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मतलब नहीं, मतलब तुम अलग बनाना, सब लोग तो खाते हैं लेकिन अलग बनाना। सर, जब मैं वहाँ गई तो 1-2 महीने तो ठीक ठाक था, उसके बाद फिर उन लोगों ने मतलब कहना, मतलब मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे कि बनाओ मीट मछली। तो मैंने कहा नहीं बनाऊँगी। जब विरोध किया तो मारपीट करने लगे। जब मारपीट करने लगे, उसके बाद जब अब की बार गए, जब गए तो बोल रहे हैं चाहे खाओ या ना खाओ लेकिन बनाओ। जब सर हमने कहा कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, तो मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया। बोल रहे हैं अब हम नहीं रखेंगे तुम्हें। अच्छा, अगर मीट मांस आप नहीं बनाओगे तो बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। हाँ, बोल रहे हैं। पुलिस को सूचना दिए? जी, दिया है। क्या हुआ अभी तक में? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बोल रहे हैं मतलब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो चाह रही हूँ सर कि मतलब वो मुझे ले जाएं, और जो बातें मतलब वो वादे किए थे शादी से पहले, वो वादे पर वो मतलब अच्छा मतलब उसी तरह ले जाएं, मुझे रखें, बस यही चाहती हूँ बस। A preschool is the first step and it sets a foundation for your kids' brighter future, where they're away from their family for the first time. So at Bachpan, we make sure kids are comfortable and are taken care of. Bachpan, they get so much more than just the basic education. They learn about the importance of friendship. They build important friendships. They learn about sharing and caring and so much more. Bachpan School includes smart classes, mini theaters for interactive sessions, a well-designed gym arena, a dollhouse, an art and craft room, and so much more. With smart classes and smart teachers, your kids will have the Bachpan they deserve. Kyunki Bachpan sirf ek baar aata hai.